अपने को पहचानो। ऊंची इच्छा, उद्यम, आक्रोश, आत्मा की पहचान, प्रबल कार्यक्षमता, तन्मयता, यही आपके गुण होने चाहिए। जब आप इन गुणों के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है, प्रत्येक मनुष्य में एक अलौकिक गोपनीय शक्ति है। इसकी कल्पना न तो स्वयं वह इंसान कर सकता है और न ही कोई और पर। यदि इस शक्ति का कोई मापक यंत्र या एक्सरे जैसा कुछ निकल आए जो इस शक्ति का स्वरूप दिखला सके तो हम सब हैरान रह जाएं। वास्तव में यह कथन सर्वथा सत्य है। हर इंसान इस बात को महसूस करता है कि उसमें कुछ आंतरिक छिपी हुई शक्तियां हैं, पर कठिनाई यह है कि वह इस आंतरिक शक्ति का कैसे उपयोग करे, किस वक्त पर करे, कहां पर करे, इस बात को कोई नहीं जानता। इसलिए इनका उचित समय पर उपयोग न कर पाने के कारण इन आंतरिक शक्तियों से मिलने वाली उपलब्धियों से वह वंचित रह जाता है। इसी विडंबना के कारण केवल वही व्यक्ति सफल हो पाते हैं जो इसकी विधि जान लेते हैं। दर्पण में केवल हम अपना चेहरा देख सकते हैं, पर इस शक्ति की पूरी पहचान कभी नहीं हो पाती। जो भी पहचान लिया जाए पर्याप्त है, उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। हर मनुष्य, स्त्री या पुरुष अपनी कोई न कोई विशेषता या गुण रखता है, भले ही वह न पहचाने उसे, पर उसमें होता है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का चेहरा, उसकी रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं, उसी प्रकार हर एक की आदतें व गुण एक दूसरे से नहीं मिल पाते। इन गुणों का समुचित विकास न होने के कारण वो सब झुंझला कर रह जाया करते हैं। हीरा जब जमीन से निकलता है तो उसे हीरा कह पाना या पहचान पाना तक मुश्किल होता है। जब उस पर पॉलिश हो जाती है, वो तराश दिया जाता है, तो फिर अपने आप लोग उसको पहचान लेते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के गुण तराशे नहीं जाते, उन पर पॉलिश नहीं की जाती, तब तक उनका मूल्य नहीं बढ़ सकता। कई बार आपसे अचानक ऐसे कार्यों की सिद्धि हो जाती है कि आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं और खुद से पूछने लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया, आपने सचमुच इस प्रकार का कार्य कैसे कर डाला। इसमें घटित होने की बात को नहीं समझ पाए बात अलग है, इसमें चकित होने की क्या बात है। इस दुनिया का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना भी ऊंचा, महान व कठिन क्यों न हो, सब मनुष्य द्वारा संपन्न किए गए हैं। एक नन्हे से बीज से जब वृक्ष जैसी विशाल वस्तु निकल सकती है, इसकी क्या कल्पना भी की जा सकती है। एक अत्यंत सूक्ष्मतम अणु अपने विस्फोट के द्वारा महाविनाश कर सकता है। इसी प्रकार आपके शरीर की सूक्ष्मतम शक्ति भी, आपका एक छोटा सा विचार भी कितनी शक्ति रखता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को कदापि न भूलें कि आपकी वर्तमान शक्ति से सैकड़ों गुना शक्ति आपके अंतःकरण में विद्यमान है। आप वर्तमान में जो कुछ हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप इस बात को जानकर भी अनजान रहेंगे तो इसमें दोष किसका है। आप जीवन लक्ष्य का ध्रुव द्वारा निश्चित कर लें, आपका निश्चय आपको चुंबक के समान खींचेगा।